हिंदुस्तान की सरकार में जाइए, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पूरे के पूरे बजट को ये कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार 10 रुपए खर्च करती है तो रुपये कहां खर्च होंगे ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने आप जानते हो? देखो सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। भाइयों और बहनों, 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं और 100% बजट में से ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5% कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बजट में बांटती है तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी वर्ग लेता है। आप जानते हो दलित वर्ग के अफसर कितना कितना निर्णय लेते हैं? फिर से बोलो, 0 0 जितना, उसको 0 ही मान लो। आदिवासी वर्ग उनको भी 0 मान लो। तो आपकी ना सरकार में हिस्सेदारी, ना कॉर्पोरेट सेक्टर में हिस्सेदारी। आप जाइए लिस्ट निकालिए, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए, उसमें देखिए, उसमें आपको दलित नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट में 1 ओबीसी नहीं मिलेगा, 1 मालिक नहीं मिलेगा, 1 आदिवासी, 1 दलित कोई नहीं मिलने वाला उसमें। फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालिए, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 1 पिछड़ा नहीं मिलेगा, 1 मालिक आपको पिछड़ा नहीं मिलेगा, 1 मालिक दलित नहीं मिलेगा, 1 मालिक आदिवासी नहीं मिलेगा। फिर आप जाइए और कहिए ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं मिला, सरकार में नहीं मिला, अस्पतालों में नहीं मिला, यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिला, और फिर आप लिस्ट निकालिए जो कॉन्ट्रैक्ट से काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालिए, और उस लिस्ट में आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे, और कोई नहीं मिलने वाला। तो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सही बात बोली, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अस्पतालों में, कोर्ट्स में, स्कूल कॉलेजेस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं कितने। 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी हैं, 15-16% दलित हैं, और इनकी हिस्सेदारी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। किसी भी मजदूर के पास चले जाओ,